आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज वन, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता। निवाड़ी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन नगरी ओरछा के राम राजा मंदिर में विराजे श्री राम राजा सरकार को अर्पित किए जाने वाला महाप्रसाद श्रद्धालुओं को बहुत रास आ रहा है। बेसन और शुद्ध घी और शक्कर के बूरे से बनने वाला ये लड्डू यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की पहली पसंद बन गया है। आलम यह है कि इस साल श्रद्धालुओं ने 1 करोड़ रुपये से अधिक का महाप्रसाद अर्पित किया है। ओरछा में विराजे राम राजा सरकार को सुबह लगने वाला भोग, दिन में राजभोग और रात को बिहारी का प्रयास अर्पित किया जाता है। यह व्यवस्था श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। यहाँ पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु बाल भोग, राजभोग या बिहारी का प्रसाद अर्पित कर पाए ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है। ऐसे में उनके लिए बेसन के लड्डू के रूप में महाप्रसाद की सुविधा दी गई है। स्वाद में बेजोड़ ये महाप्रसाद अब ओरछा मंदिर की पहचान बन गया है। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी से 23 नवंबर तक ओरछा पहुंचे श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर की तमाम सेवाओं के लिए कुल 2 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक की सेवा की गई है। इनमें से अकेले 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक महाप्रसाद की सेवा से प्राप्त हुए हैं। ओरछा में भगवान को लगने वाला बेसन का ये लड्डू यहाँ की पहचान बन गया है। ओरछा दर्शन करने आने वाले अपने परिचितों के लिए ये महाप्रसाद ज़रूर लेकर जाते हैं। वहीं इस प्रसाद को एक बार चखने वाले लोग भी इसकी डिमांड करते हैं। वहीं मंदिर की व्यवस्थाएं देखने वाले तहसीलदार संदीप शर्मा ने बताया कि भगवान को अर्पित कर श्रद्धालुओं के विक्रय के लिए प्रतिदिन 1.5 क्विंटल बेसन के लड्डू बनवाए जाते हैं। इसके लिए भंडार गृह में पृथक से कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। इस प्रसाद में श्रद्धालुओं को बेसन के लड्डू के साथ ही भगवान को अर्पित किए जाने वाले इत्र की गाड़ी और वीड़ा भी दिया जाता है। यहाँ पर 20, 40, 80 और 160 रुपए तक का महाप्रसाद मिलता है। जो महाप्रसाद है जो बेसन और शुद्ध देसी घी से निर्मित होता है और इस समय उसकी बहुत मांग उठ रही है। लगभग प्रतिदिन 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल उसकी मांग है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो पुष्य नक्षत्र आता है उसमें इसकी मांग दोगुनी से तिगुनी हो जाती है। और अभी जो 11 माह का जो देखा जाए तो 1 करोड़ से अधिक का मतलब महाप्रसाद से दान राशि प्राप्त हुई है। सर, चूंकि इतनी ज्यादा मांग हो रही है तो आप लोग गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए और लोगों को संतुष्टि हो, इसके लिए सर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि गुणवत्ता अच्छी है और उसका स्वाद बहुत अच्छा है, इसीलिए उसकी आप देखेंगे इसीलिए उसकी वृद्धि हुई है। पिछले तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करेंगे तो किसी चीज की वृद्धि जब भी होती है जब उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। सर, ये जो महाप्रसाद होता है ये प्रभु को पहले से अर्पित होता है? हाँ, प्रभु का अर्पित प्रसाद ही लोगों को ये दिया जाता है। अन्य मंदिरों में भी ये व्यवस्था है, अपने आए इसको महाप्रसाद के नाम से जाना।